सत श्री अकाल जी, लोक तत्थ चैनल ते तुहाडा सारयां दा स्वागत है। ते अज आपां इक पोचे वाली मावां धीआं दी कहानी पाउण लगे हां। इह कहानी काल्पनिक है, इहदा कोई सच्ची घटना नाल कोई संबंध नहीं। इह मावां धीआं दो कम वालीआं पोचे वालीआं। ते जे तुहानूं साडी कहानी चंगी लगे तां सबसक्राइब ते शेयर जरूर कर दिओ। जे तुसीं पहलां कीता होया तां तुहाडा बहुत धन्नवाद। ते अगे आपां कहानी पाउण लगे हां। इक कुड़ी सी, इक उहदी मां सी ते इको दा डैडी, तीन बंदे सी, तिने घर छोटी जी फैमिली सी, छोटा जिहा घर सी उन्हां दा आपदा, वधिया जिंदगी जिउ रहे सी। और डैडी मजदूर सीगा, वह साथ नूं जिन्नी कु दिहाड़ी लिआउंदा सी असीं खा लैंदे सारे। मम्मी नूं कदे कम्म ते नहीं सी जाण दित्ता उन्होंने, मम्मी सारा दिन अंदर ही रहिंदी सी, आपदा कम्म धंधा कर लिया बस। तो डैडी बीमार पै गए, बीमार पै गए, काफ़ी पैसे लग गए उन्हां ते, उन्हां दी डैथ हो गई। डैथ हो गई, मम्मी नूं कम्म करना पै गया। मम्मी कोठियां जाया करे पोचे लाने वास्ते, चार पंज कोठियां च पोचे लाने जाया करे। मैं छोटी जी सी, मैं नाल लै जाया करे, मैं भी नाल फिरी जाया करा, मैं कम ना करया करा, बैठी रहा करा, मम्मी कम करी जाया करे। तो जो मैं 15 साल की हो गई तो मम्मी मैनू कहन लगी, बेटे हुण तू भी कम करया कर, तू वड्डी हो गई। तो मैं क्या मैं कम करा, कहते हाँ आपां नूं कम करे ही सरूगा। मैं क्या ठीक है, कहिंदे आपां कित्थों खावांगे जे कम नहीं करांगे। तो मम्मी यह जी सी, आप रुखी सुखी खा लैंदी सी, मैनू वधिया खवाउंदी सी, पता नहीं कित्थों लिआउंदी सी मम्मी, की करदी सी मम्मी, बहुत डूंघियां गल्लां करदी सी, कदे कदे मेरी समझ तो बाहर सी वी बंदे नूं, कहिंदी वक्त बहुत कुछ करा दिंदा है मम्मी, कुछ आई गल्लां बहुत करदी सी, मेरे पल्ले कुछ नहीं सी पैंदा, मैनू तां बस खाण पीण नाल खेडण नाल ही मतलब सी, उमर ही इह जी हुंदी है। तां जदों वड्डी हो गई, मम्मी नाल गई मैं इक कोठी दे विच कम करन, तां मैं मम्मी नूं आख्या, मम्मी पहलां तां दूजियां कोठियां जांदे ही कम करन, वी अज आपां आ कोठी जा रहे हां। मम्मी मैनू कहिंदे की लोड़ है ज़्यादा हत्थ मारन दी, जे आपां थोड़े नाल सरदा होवे, मेरे फिर नहीं कुछ भी पल्ले पिया। मम्मी कहिंदी आ जा अंदर। मालकण बैठी सी पार्क च कोठी दे अगे बाहर ही, तो मम्मी ने जाके सत श्री अकाल करी, मैं भी सत श्री अकाल करी। तो मम्मी ने दस्या ये मेरी बेटी है, ये कम करया करूगी हुण। तो उन्हें पैरां लै के सिर तक मैनू अजीब जहा देखा, मैनू बहुत अजीब जहा लग्या भी की ऐ क्यों मैनू वेख रही है। चलो तो उन्हें की मम्मी उन्हें सैन जी दिती, तो मम्मी रूम चली गई, वो भी चली गई मगर मम्मी ने मैनू झाड़ू फड़ाता, कहिंदी ये झाड़ू लै लै। सारी कोठी बहुत वड्डी सी, पोचे ला सारी झाड़ू ला, उदू बाद किचन के इन्ना खलारा पिया सी जिन्ना कह दो। मम्मी कहिंदी सारी किचन साफ करनी है, भांडा टिंडा मांजना, थाऊं थाई धरना टका के। मैनू करदे करदे 3 घंटे लगे, मेरी बस हो गई, कम मैं कदे कीता नहीं सी। जमें थक गई, मैनू भुख बड़ी लगी सी, तो मैं आखिया मैं तो अक गई जमें हुण मैं की करा। मैं जाके मम्मी वाला दरवाज़ा खड़काता, जिथे मम्मी तो वह मालकण चलिया गई अंदर। तो मैं भी सोची जानी भी देखो मम्मी वेली बैठी आराम नाल अंदर वो कोल, मैं कम कर रही हाँ, बाद जा कहूगी मैं थकी पई हूँ बहुत ज़्यादा, डिग पूगी मंजे च। तो मैं जाके दरवाज़ा खड़काया, मेरी मम्मी आई अंदरों निकल के, मम्मी तो चुन्नी नहीं सी लई हुई, पसीने नाल मम्मी लत्थ पत्थ हो पई सी। तो मैं देखिया वो कहिंदी भी बस 5 मिनट रुक जा, मैं आ गई 5 मिनट बाहर बह जा। मैं बाहर बह गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, चलो असी घर नूं आ गए, घर नूं आ गए, अहीं चलदा रहा 10-15 दिन लगातार चली जाया करे, रोज़ मैं देखी जाया करे, मम्मी मैनूं झाड़ू फड़ा दिया करे, तो मम्मी आप अंदर चली जाया करे। मालकण तो वह 3-3 घंटे अंदर रहा करन, मैनू मम्मी तो शक होण लग गया, मैनू समझ ना आवे कुछ भी, ये मम्मी करती की है, की कम करती है। मम्मी जाके मंजे डिग पिया करे, मम्मी थक के भी मैं तो गई, मेरी जान गई बस, मैं तो थक गई, मैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो मैं देखा करा भी की हो रहा है, मैं सोचा भी एक दिन मैं जरूर देखूँगी कम की करते अंदर जो मैं दसते नहीं, तो मैं उरा पर देखना शुरू करता। तो मैं सोचा इन्हें घर कोई नहीं है भी मम्मी तो मालकण अंदर ने, मैं ही हाँ कली, उरा पर मैं देखा मैनू कित कुछ ना दिखे, मैनू बस खिड़की भी पर्दा लग्या बाहरों भी जिमें रोशनी ना आए। तो मैं उपर चढ़ के थले कोई चीज़ रख ली, उपर चढ़ के मैं देख रही हाँ, तो पिछों आ किसी ने मेरे मोढ़े ते हाथ रखता, कहिंदे की देखदी है। मैं डर गई एकदम, मैनू कुछ ना उड़े हुण, मैं की करा, कौन है कहन तू किहदी कुड़ी है, मैं कहिंदी मैनू तो कुछ ना उड़े, मैं कि मैं आपदी माँ की कुड़ी हाँ। तो मुंडा हस पिया, 18 साल का मुंडा से, हस पिया, हस पिया तो कहिंदा तू चोर है,
वो कहती मैं दो बार गया, मैं नहीं चोर, मैं नहीं चोर, मैं चोर नहीं हैगी। तो कहती वो मन में ठीक है भी ये चोर नहीं हैगी, ऐ कह रही है जी। वो चला गया जाके रूम च, वो शीशे वाल लत्त करके बह गया, बूट पाए हुए सी। तो उन्हें मैनू कहा मेरे बूट ला दे। तो मैं क्यों बूट ला हाँ। वो कह नहीं बूट लाएंगी तेरी मम्मी दसूँगा। मैं डरदी मारी, मैं मेरी मम्मी ना दसी, मेरी मम्मी तो मेरी खल ला दूगी मार मार के। तो मैं वो बूट लाते। तो उन्हें मैनू क्या पानी का गिलास लिया, तो मैं पानी का गिलास लिया के पियाता। उदों मेरी मम्मी बहर आ गई, नाले मालकन आ गई। तो वो मुंडे ने मेरी मम्मी सत श्री अकाल करी जिमें पहला जानता ही हो, मेरी मम्मी भी उन्होंने जानती होए। मेरी मम्मी ने भी जवाब दिता सत श्री अकाल का। तो मेरी मम्मी मैनू लैके घर आ गई। दूजे दिन फिर यही होया, असी काम कर चलिया गई। तो मम्मी फिर मालकन नाल अंदर चली गई, तो मैं सारे घर का काम किया, कोठी का रसोई का काम किया। तो मुंडे ने मैनू फिर छेड़ लिया। मुंडा मैनू कहता भी तेनू दसा बंद कमरे की होंगे। कहता कल तू कहती सी बंद कमरे की होंगे, दसा तेन की होंगे बंद कमरे च। कह के मुंडे ने मैनू गेट ला लिया अंदर। मैं रौला पाया, मैं इनू आख चीका मार दी, मैं रौला पाँदी हाँ। तो उन्हें मैनू खोल के गेट बहर कड़ता, आप अंदरों कुंडी ला ली, मैं रोन लग गई। उन्ने टाइम च मम्मी के मालकन बहर आ गई। उन्होंने मैनू पूछा की हो गया, मैं क्या कुछ नहीं भी मैं थक गई ज़्यादा काम करके, मेरे सिर च दर्द होंगे। चलो मम्मी कहीं तेन डिस्पेंसरी लैके जाऊँगी। मम्मी मैं डिस्पेंसरी लैके जा रही है। मैं मम्मी ने कहा मैं डिस्पेंसरी नहीं लैके जाओ, मैंने कुछ नहीं होया, घर जाके दसूँगी मैंने की होया। घर जाके मम्मी ने सारी गल दसी भी वो मुंडे ने बदतमीजी करी मेरे न। तो मम्मी ने मालकन में दसिया। तो दूजे दिन मम्मी कहीं तेन लौड़ नहीं जाने दी, तू इत रह, मैं जाऊँगी। मम्मी ने ना तो वो कम किया आपदा, नाले सारे कोठी सफाइया सारे कम करे मम्मी ने। तो जब थकी टुटी आई मम्मी का मूँह जमा लाल होया पिया सी। आके मम्मी रात को बुखार चढ़ गया, बुखार चढ़ गया। दूजे दिन पूरे बुखार च पई है मम्मी, उन्होंने गोली दवाई लिया के दी। मैं तो मम्मी ने मैं आखिया भी मैं जानी हाँ कम कर, कहीं तू ना जाई कली उत्थे। चलो मैं आख्या मम्मी हूँ कम तो करना पेगा। मम्मी कहती ऐ कर दे फिर मैं तेरे नाल चल दी। मैं क्या ठीक है तुम उत्थे पै जाओ मैं कम करूँगी। मम्मी एक कोने पै गई, मैं कम करना शुरू करता, सारी कोठी से कम कर देखा। मुंडा उत्थे है नहीं सी, मुंडा होस्टल चो आया शायद चला गया। जो सारा काम कर लिया तो मालकन मैनू कहती भी मेरे मुंडे ने कल तेरे छेड़खानी की सी, मैं माफ़ी मंगदी हाँ। तो बाकी कहती तू आपका काम तो कर लिया सारा, तेरी मम्मी वाला काम भी कर दे, तेन डबल पैसे देऊंगी। मैं भी जानना चाहती सी भी मम्मी की काम करती है। कहती मम्मी कहीं रहन दे बस। चलो मम्मी ऐ करते करते मम्मी की फिर अख लग गई, बुखार ज़्यादा सी। तो मैं भी जानना चाहती सी भी बंद कमरे च कर दी की ने। तो मैं जाके अंदर चली गई बह गई। तो उन्हें कुंडी ला ली, मैं भी घबरा गई, इन्हें कुंडी ला ली कादे वास्ते। तो वह बाथरूम चली गई मालकन। तो जाके वो रात वाले कपड़े चेंज करके आई, तो वो हाथ में एक तेल की बोतल सी। तो उन्हें आके मैनू कहा भी जैतून के तेल दे विच कई जड़ियां बूटियां पाइया हुई ने, भी मैं गठिए की मरीज हाँ, मैं बिल्कुल मंजे ते बैठ गई सी, भी हुण मैनू तेरी मम्मी मेरे मालच करती है। मैं तेरी मम्मी रोज़ 1000 रुपये दिनी हूँ मालच कराई दा, मैनू कोई नहीं मिली इन्नी वधिया मालिश वाली। 3 घंटे 4 घंटे तेरी मम्मी मालिश करती है, मैनू 1000 रुपया दिनी है, अज मैं तेने 2000 दूँगी। मैं वो मालिश की, उन्हें मैंने 2000 रुपया देता। मैं मम्मी नाल लैके घर आ गई। घर आके मैं सोचा भी मैं किन्नी गलत सी, मैं वो माँ ते शक करती सी। तो एक दिन मेरी मम्मी मैनू अलमारी नू हाथ नहीं लाउण दी बिल्कुल भी। तो मम्मी मैनू कहीं जी बाहर जानी चुन्नी लैके जाया कर तू वड्डी हो गई। तो मैं अलमारी खोली कुदरती कितने, तो मम्मी पर उर से वो 1000-1000 के नोट पे से। तो मैं देख के हैरान हो गई भी अस तो इन्ने गरीब हाँ, साढ़े घर इन्ने पैसे कितों आ गए। तो मम्मी मैंने बहुत गल्ला समझाती होंगी पर मैं समझ नहीं सी आती चीज़ों की। मैं कई बार कहती मम्मी भी तू मैं इन्ना वधिया खाना क्यों खवाई है, तू आप रुखा सुखा खानी है। मम्मी कहती भी हूँ तू जवान हो गई, तू भी मेरे बराबर काम करनी है, तेन चंगे खाने की लड़ है। तो देखो मैं मम्मी का देन दे नहीं सकती, वो किमें कम करती मेरे वास्ते की करती सी। तो आप शक करके बह जाने भी आप कह दें भी बंद दरवाजे के पिछे माड़ा काम ही होंगे, कोई पाप ही होंगे, पर जरूरी नहीं है कोई भी बंद दरवाजे पिछे कोई पाप हो। शक करनी माड़ी गल नहीं, आप यही कहना चाहते हैं भी आप सोच के ही शक करना चाहिए आपके माँ बाप से। माँ बाप अपने वास्ते बहुत कुछ करते हैं, माँ बाप अपने।
इस करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।